हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं इकबाल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर इंडियन आर्मी का दोस्तों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको गत वर्षों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, आप इनको इत्मीनान से देखिएगा दोस्तों। और देखिए शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारे वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पर रोज ही मिलती है आर्मी के आधार पर नई नई वीडियो दोस्तों और एग्जाम के आधार पर नए नए अपडेट। तो भाई दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर देखिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हम आपको डेली एक एक वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मॉडल पेपर और बहुत सारे दोस्तों जेन्युइन क्वेश्चन पेपर आपके लिए डाले हैं, तो आप उनको दोस्तों देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिए दोस्तों, रिक्त पद ज्ञात कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं दोस्तों, एक श्रृंखला आपको दी रहती है और वहाँ पर आपको दोस्तों कोई अननोन टर्म, कोई अज्ञात पद आपको दोस्तों निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आप इनके पहले आगे पीछे वालों में एक कोई भी दोस्तों रूल देख लेंगे, कोई भी नियम देख लेंगे। यहाँ पर देखिए आपका 10 के बाद आपका 20 आ गया तो आपका 10 ऐड हो गया। वैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना बढ़ा, यहाँ पर आपका दोस्तों 11 ऐड हो गया। और वैसे यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए कितना ऐड होना चाहिए, यहाँ पर 10 हुआ, यहाँ पर 11, तो दोस्तों यहाँ पर कितना होना चाहिए 12, और यहाँ पर कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए, और यहाँ पर दोस्तों आपका 14। अब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, देखिए बिल्कुल आपका 14 ऐड होके आपका आता है, तो इसका मतलब आपका ये भी सही है और दोस्तों आपका ये भी सही, ये भी सही। और यहाँ पर आप यदि 12 ऐड कर देंगे दोस्तों तो आपको कितना मिलेगा, 43 यहाँ पर आपको मिलेगा। और 43 में दोस्तों आप 13 ऐड करेंगे तो आपको 56 मिलेगा, तो इसका मतलब आपका दोस्तों ये नियम आपका सही है और आपका यहाँ पर क्या आएगा, 43 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह आप चेक करके निकाल लेते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको इकाई अंक यहाँ पर निकालने वाला है, अर्थात आपको दोस्तों टेंस नंबर निकालना है जो आपका प्रथम इकाई में आता है। इसके लिए दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन एक आता है, या तो घात में आएगा दोस्तों या फिर आपका इस तरह से गुणनखंड के रूप में आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको जितने भी नंबर दिए होंगे आप केवल उनके इकाई अंक को गोल कर लेंगे और इनको निकाल के दोस्तों यहाँ पर गुणा कर देंगे, 6×8×9×2, क्योंकि केवल आपको दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक से मतलब है और आपको कुछ भी नहीं देखना है। इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 48 के इकाई में 8 आ गया, गुणा इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका इकाई में 8 आएगा। तो दोबारा इनको गुणा करेंगे तो आपका दोस्तों इकाई में क्या आएगा, 4 आएगा, 8×64 यहाँ पर आपका इकाई में 4 आता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 4 आ जाएगा इकाई का नंबर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपको बताना पाई क्या है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पाई आपको पता होगा दोस्तों, जो आपका यहाँ पर बेसिकली मान यहाँ पर मान लिया जाता है 22/7। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पाई बताना है क्या है, आपका परिमेय संख्या या फिर दोस्तों अपरिमेय संख्या या अभाज्य संख्या या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए पाई एक दोस्तों अपरिमेय संख्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि दोस्तों पाई का मान जो आपका होता है दोस्तों 3.14 समथिंग यहाँ पर होता है दोस्तों, ये लगातार आपका चलता रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि 671 यहाँ पर दोस्तों आपका स्टार बना है, स्टार मतलब कोई अननोन यहाँ पर नंबर, और 483 पूर्णतया 9 से विभक्त है, तो दोस्तों आपको बताना है स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एक पूछा जाता है दोस्तों बार बार, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, एक बार आप क्लियर कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको हमने एक वीडियो बनाई थी रूल ऑफ डिवाइजिबिलिटी करके, तो वहाँ पर आपको दोस्तों भाग के हमने नियम बताए थे, उनके अनुसार आपको यहाँ पर ये नियम लगाना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई भी नंबर यदि आपका 9 से विभाजित है दोस्तों, तो उनके सारे अंकों का योग भी दोस्तों 9 से विभाजित होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखिए इसे आप एक्स मान लीजिए, तो इनको आप ऐड करेंगे 6+7+1 प्लस, यहाँ पर आपने एक्स माना है तो एक्स प्लस 4+8+3। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर जो भी नंबर आएगा 9 से विभाजित होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 1 बच गया था, तो आप 1 को भी ऐड करेंगे तो ये आपका 1 यहाँ पर आ गया। अब देखिए इनको आप ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आपका 7, 14 और यहाँ पर 18 और ये आपका 26 और ये आपका 29, तो 29 हो गया। और x को आप ऐसे ही रख देंगे प्लस x, तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, अब आप देखिए 29 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपका दोस्तों 9 से पूरा का पूरा 9 से दोस्तों डिवाइड हो जाए। तो इजीली आपको पता लग गया दोस्तों, यहाँ पर आप 7 को ऐड करेंगे, यदि आप 7 को ऐड करेंगे तो आपका 36 आएगा, जो आपका दोस्तों 9 से पूरी बार विभाजित है, तो ये आपका यहाँ पर 4 बार भाग जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आएगा, x की जगह पे दोस्तों अननोन टर्म की जगह पे आपका 7 आएगा। तो इस तरह दोस्तों आप नियम निकाल करके लगा करके इजीली यहाँ पर निकाल लेंगे, हमेशा आप यही करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
दोस्तों पहले आपको यहाँ पर अभाज्य संख्या का मतलब पता होना चाहिए प्राइम नंबर का। इनमें दोस्तों क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और खुद को छोड़कर दोस्तों जिनमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता वो दोस्तों आपकी अभाज्य कहलाती है। कहने का मतलब है दोस्तों आपका एक छोड़ना है आपको और खुद को भी छोड़ना है, उनके अलावा यदि किसी नंबर का भाग जाता है तो वही आपके अभाज्य है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको एक तो लेना नहीं है, तो आपका दो यहाँ पर देखिए दोस्तों दो में किसका भाग जाएगा, दो में एक का और दो का, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए केवल इनका ही जाता है, इसके अलावा दोस्तों कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिससे हम दोस्तों दो में भाग दे सकें। तो यहाँ पर दोस्तों आपका यही हो जाएगा छोटा दो। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो हमेशा आप याद रखेंगे छोटा छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों आपकी दो होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लौसो 2310 तथा 930 है, यदि इनमें से एक संख्या 210 हो तो दोस्तों आपको दूसरी संख्या बतानी क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आपका लौसो और मौसम में से दोस्तों अवश्य ही आएगा, अर्थात दोस्तों एलसीएम या फिर एससीएम में से एक क्वेश्चन आपका अवश्य आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दोस्तों एलसीएम एक फॉर्मूला होता है गुणा एससीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो यही वाला आपका दोस्तों फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर 2310 गुणा 30 बराबर एक नंबर आपका 210 गुणा दूसरा नंबर आपको निकालना है, तो एन टू बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 2310 गुणा 30 बट्टे 21 आपका होगा 0। ये कट गया आपका दोस्तों, 3 7 7 आ गया, और 7 से आप ऊपर काटेंगे दोस्तों तो ये आपका यहाँ पर 330 मिलेगा, अर्थात दोस्तों 330 आपका आ गया, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका दूसरा नंबर 330 हो जाएगा आपका। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आपने समझ लिया तो आप हमेशा कर लेंगे। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ तथा कुछ गौवें हैं, यदि इनके सिरों की संख्या 48 तथा टांगों की संख्या 140 हो तो कुल मुर्गियों की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही बार पूछा था दोस्तों, कभी कभार आपको पूछा जाएगा कि एक चिड़ियाघर में इतने खरगोश हैं इतने बंदर हैं तो बताइए उनकी संख्या कितनी होगी, आपको टांगों और सिरों की संख्या दोस्तों दी गई होगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमेशा आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे मुर्गियों की संख्या इतनी है, मान लिया आपने दोस्तों इनकी संख्या यहाँ पर एक्स है मुर्गियों की, और वैसे आपने गौओं की संख्या मान ली वाई। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या है, आपको सिरों की संख्या दी है, सिरों की संख्या मतलब दोस्तों मुर्गी और गाय दोनों के पास एक ही सर होता है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर आपको 48 दिया है, ये आपके दोस्तों कुल क्या आगे कुल सर आगे दोस्तों। अब वैसे आपकी कुल टांगे आपको दिए हैं, कुल टांगे कितनी होंगी दोस्तों, कुल टांगे देखिए मुर्गी के पास दोस्तों दो टांगे होती हैं, तो एक्स यहाँ पर मुर्गी हैं तो टांगे कितनी होंगी 2x प्लस, वैसे ही दोस्तों यदि वाई आपके दोस्तों गौवें हैं तो गौओं के पास यहाँ पर देखिए चार टांगे होती हैं, तो 4y दोस्तों कुल टांगे गौओं की हो जाएंगी। दोनों को मिला करके दोस्तों आपको दिया है, दोनों को मिला करके 140 टांगे हैं। अब देखिए आपको निकालना है दोस्तों मुर्गियों की संख्या, तो आप इन पर एक्स पर यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन आपकी आ गई दोस्तों, इजीली आप यहाँ पर एक्स का मान निकाल लेंगे और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप दोनों में दोस्तों यदि आपको एक्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप 4 का गुणा कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो ये आपका मिलेगा दोस्तों 4x प्लस 4y इक्वल टू 192। अब यहाँ पर देखिए यदि आपका दोस्तों यहाँ पर आप घटा देंगे इन दोनों को तो आपको मिलेगा 2x बराबर 192 में से 140 आप घटाएंगे, ये दोस्तों आपका 52 आएगा, तो x बराबर दोस्तों आपका क्या आ गया, काटने पर 26 यहाँ पर निकल के आ गया, तो 26 दोस्तों आपका यहाँ पर x का मान आ गया, और वही दोस्तों आपका मुर्गियों की संख्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। इनमें दोस्तों आपको कुछ भी करना नहीं है, आप इजीली निकाल लेंगे, केवल आपको इक्वेशन दोस्तों सॉल्व करनी आनी चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लाभ हानि वाला है, एक गैस तंदूर को 750 रुपये में बेचने पर विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है, तंदूर का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर अवश्य ही आएगा लाभ हानि का क्वेश्चन एक, इसमें आपको क्या करना है, देखिए पहले आप क्रय मूल्य मान लेंगे, माना एक्स यहाँ पर दोस्तों क्रय मूल्य है। अब यहाँ पर देखिए आपको लाभ कितना होता है दोस्तों, क्रय मूल्य का 1/4, यानी कि दोस्तों आपको लाभ की राशि यहाँ पर आपकी जो होगी दोस्तों वो आपकी होगी एक्स 4 रुपये, ये आपको यहाँ पर दिया है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्रय आपका लाभ होता क्या दोस्तों, लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इसमें आप रख देंगे लाभ आपका कितना आ गया, लाभ बराबर दोस्तों आपका एक्स 4 रुपये बराबर विक्रय मूल्य आपको दिया है 750 माइनस क्रय मूल्य आपका अभी आपने माना x, तो यहाँ पर दोस्तों आप सॉल्व करेंगे x को आप यहाँ लाएंगे तो ये आपका दोस्तों 5x
अपॉन 4 हो गया इक्वल टू 750 दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल लेंगे x बराबर आपका क्या आएगा 750 बट्टे 5 गुणा ये 4 आपका ऊपर चला गया 4। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर काट दिया आपने, तो ये आपका 600 रुपये निकल के आ गया। तो यही दोस्तों आपका क्या गया, क्रय मूल्य आपका निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो इनमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है दोस्तों, केवल आपको इतना ध्यान देना होता है आपका लाभ क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि क्या होती है, हानि प्रतिशत क्या होती है, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। तो इजीली आप दोस्तों इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे मैथमेटिक के, और उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और भी इस तरह के क्वेश्चन को हम लगातार आपको बताए जाएंगे दोस्तों। हमारे साथ ही बने रहेगा। ओके थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।